जिसमें दस ग्यारह तीन सौ इक्कीस व अठहत्तर के बीजांक ज्ञात करने हैं जैसा हम लोगों ने बीजांक की परिभाषा में देखा किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं यही अंक उसका बीजांक कहलाता है तो दस में जो कि दो अंक हैं यहां पर अगर इसमें अंकों का जोड़ देखा जाए तो एक धन शून्य ये आपको एक देगा जो कि दस का इस प्रकार दस का जो बीजांक है वो एक हुआ इसी प्रकार ग्यारह का बीजांक एक धन एक आपको मिलेगा दो इसी प्रकार तीन सौ इक्कीस में तीन धन दो धन एक इसका बीजांक मिलेगा छ और अठहत्तर में सात धन आठ देखिए यहां पर जो हमको ये जो संख्या मिल रही है सात और आठ को जोड़ने पर ये पंद्रह मिल रही है पर ये पंद्रह जो है ये अठहत्तर का बीजांक नहीं है क्योंकि एक, एक अंक की संख्या नहीं है तो हम इसे तब तक जोड़ेंगे जब तक हमें एक अंक की संख्या नहीं मिल जाती तो अब पंद्रह में हम लोग देंगे वन एक और पांच को पुनः हम लोग जोड़ेंगे और यहां जो हमको मिली संख्या एक अंक की संख्या छ तो अठहत्तर का जो बीजांक है वो छ होगा ये इस जो चार संख्याएं हम लोगों ने ली थी दस ग्यारह तीन सौ इक्कीस और अठारह इनके बीजांक को निकालने का हल हुआ